दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सब कैरियर से होंगे। दोस्तों एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आपके साथ एक और टेक्निकल फॉल्ट शेयर करना चाहता हूं। ये देखें, मैं इसको ऑन करता हूं तो ये देखें, ये ऑन होते ही फॉल्ट 7 पे जा रहा है और ख़ुद ब खुद ही ऑफ हो जाता है। ये देखें, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, डायरेक्ट फॉल्ट 7 पे जाके ये खुद बहुत ऑफ हो जाता है। दोस्तों तो इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसे देखते हैं कि ये 7 फॉल्ट किस लिए दे रहा है। मैं इसका बोर्ड ओपन करता हूं। बोर्ड ओपन करके इसको ब्लोर श्लोर वगैरह लगाता हूं। लगाने के बाद दोस्तों आपके साथ फॉल्ट 7 आज शेयर करेंगे कि फॉल्ट 7 किस किस वजह से इसमें आते हैं होमेज में। मैंने इसका ओपन कर लिया है और देखें कि पहले से ही काफ़ी सारा काम इसके बोर्ड के ऊपर हुआ हुआ है। देखें, मैं आपको दिखाता जाऊं। ये देखें, ये SMD ट्रांसिस्टर रेजिस्टेंस हैं, जीनर, ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें इसके रिप्लेस हुई हुई हैं। और दोस्तों मैं आपको बताता जाऊं कि ये किसी मैकेनिक भाई से आया मेरे पास, तो अगर वो मैकेनिक भाई मेरी ये वीडियो देख लेगा तो इंशाल्लाह वो वापस इन्वर्टर वापसी नहीं करेगा कस्टमर को, वो हर सूरत में ये बना के ही देगा। मैं अपने इस मैकेनिक भाइयों के लिए बनाता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें ये होता है कि जब आप 2 से 3 घंटे या 2-2 दिन भी इसके ऊपर लगाते हो और जैसे ही इसमें सामान डालते हो, सामान डालने के बाद भी कंपोनेंट SMD ट्रांसिस्टर रेजिस्टेंस से डालने के बाद जब फॉल्ट क्लियर नहीं होता दोस्तों, उस वक्त बहुत दिल को ना बहुत अफसोस सा होता है, यार ये मुझसे फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं क्या इशू आ गया इसमें कि यार ये मुझसे फॉल्ट नहीं क्लियर हुआ, अब वापस देना पड़ेगा सेट। तो दोस्तों चलिए इसका फॉल्ट निकालता हूँ और फॉल्ट निकालने के बाद आपके साथ जो फॉल्ट मैं आज शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये 7 फॉल्ट है। ये मैं इसका फॉल्ट पकड़ता हूँ, फॉल्ट पकड़ने के बाद मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा इसका फॉल्ट। प्यारे प्यारे दोस्तों, फॉल्ट मैंने इसका पकड़ लिया है, फॉल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसको चला के देखते हैं, ऑन करके देखते हैं कि अब ये फॉल्ट 7 दे रहा है या फॉल्ट 7 से ख़त्म हो चुका है। इसका फॉल्ट 7 देखें दोस्तों, 227 वोल्ट इसने आउटपुट दे दी है। ये देखें, बैकअप मोड पे चल रहा है और मैंने इसका फॉल्ट पकड़ा दोस्तों। फॉल्ट आपके साथ शेयर करूंगा A to Z और मैं आपको फॉल्ट अब इसका दिखाता हूँ कि मैंने इसका फॉल्ट क्या पकड़ा। यार फॉल्ट पकड़ते तकरीबन इस पर लगे हैं 2 घंटे। 2 घंटे इसलिए लगे हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता जाऊँ। मैंने इसके चारों के चारों ये मॉस्फेट जो लगे होते हैं IRF 740, ये चारों के चारों ओपन किए। ओपन करने के बाद मैंने इसका अकेला SMD ट्रांसिस्टर जो लगा हुआ है, ये NPN और PNP, ये अकेला चेक किया तो इसमें दोस्तों जो फॉल्ट आया, अजीब सा फॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ पे ये वाला, ये था 200D वैल्यू, ये डेड था कैपेसिटर। एक मैंने ये कैपेसिटर चेंज किया और असल जो इशू आ रहा था वो इसका ये ड्राइव नहीं बन रही थी इसकी, जिसकी वजह से ये फॉल्ट 7 पे जा रहा था। ये 740 मॉस्फेट हैं और इसकी जो ड्राइव है वो नहीं बन रही थी दोस्तों, इसकी वजह से ये फॉल्ट 7 पे जा रहा था। तो मैंने इस मॉस्फेट की ड्राइव जैसे ही बनाई है, इसकी ड्राइव जैसे ही आई है तो इसका फॉल्ट जो 7 था वो ख़त्म हो गया। आपसे आज मैंने जो फॉल्ट शेयर किया दोस्तों, ये वाला एक कैपेसिटर रिप्लेस किया मैंने और साथ में ये देखें, ये A2A ये यहाँ पे लगे हुए थे दोस्तों SY वाले, तो मैंने यहाँ पे 2A वाले लगाए हैं आगे वाले। ये एक ठीक था जो मैंने वहीं लगा रहने दिया और साथ में ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, ये दोस्तों ये R23 वाली, ये भी मैंने रिप्लेस की है। पहले मैंने इसका कैपेसिटर रिप्लेस किया, इसके बाद ये देखें ये पीछे लगी हुई है R44 वाली, ये भी मैंने रिप्लेस की, ये 500 ओम की थी। तो इसके चेंज करने के बाद कुछ 4 वोल्ट बन चुकी है, तो जैसे ही 4.5 वोल्ट इसकी ड्राइव बनी है तो ये देखें रिज़ल्ट आपके सामने है, बिल्कुल A to Z। तो ये माशाल्लाह से ऑन हो चुका है। अब इसके साथ का ये एक सेट और आया है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसके साथ का ही बिल्कुल सेम सेट आया मेरे पास और ये भी नियोन 1003 मॉडल है और जो ये अब मैंने ऑन किया ये भी नियोन 1003 मॉडल ही है। तो इसमें तो ये तो डेड है बिल्कुल, तो देखें इसमें भी काम हुआ हुआ है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। दोस्त ने मुझे बोला यार मैंने इसका IRF 630 भी चेंज किया है और इसके रेजिस्टेंस से सब कुछ चेंज किए हैं लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा।
तो दोस्तों इसके बाद मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूंगा जो दूसरा सेट मेरे पास आया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक भी करें, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं, विज़िट करें हमारे चैनल का, आपको इंशाल्लाह ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों लगे आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपके दोस्त मोहम्मद अकरम, अल्लाह हाफिज़।